का नाम आता है। सारा नगर एकत्रित होकर के राजा के दरबार में जाता है। महाराज ऐसा पुत्र क्या काम का जो नगरी के बालकों को उठा उठा करके दरिया के अंदर ले जा करके डाल दिया है। सबका मान और अपमान हुआ है। 10-20-30 बालक मारे गए हैं नगर में। रुका मात्रा है महाराज। आप खड़े होकर के तुम्हारे बेटे को समझा लीजिए। ऐसा कर्म संसार में करता जाएगा तो सारी नगरी का थोड़ा दिन में ही ओढ़ आ जाएगा। और ऐसे भी कहा करते हैं कि राजा वो गिर के चोरी करे तो न्याय कहां जाएगा। न्याय करने वाला कौन है? राजा के सामने सब जा करके खड़े होते हैं, बारी बारी से तिरस्कार कर रहे थे। महाराज राजाओं को संसार में उल्टी मती होती है और राजा सदा सदा के लिए गरीब अमीर के रुखाड़े होते हैं। राजा ने कहा कि मैं क्या करूं, ये कोई बड़ शंकर औलाद है, इसका मैं कोई सुधार नहीं कर सकता। काफी उपद्रव संसार में करना शुरू करता है ऐसा सुना जाता है। थोड़े दिन बाद में शव तैयार होकर के आपके पिता उग्रसेन के पास में जाता है जो राजगद्दी पर बैठा हुआ था। और उग्रसेन के पास में जाकर के ये कहता है कि राज तगाने का तरीका तो मुझे आता है, तुझे क्या ज्ञान है और तुझे क्या मालूम कैसे राज चलाया जाता है। पिता के सामने खड़ा होकर के छोटी खड़ी बात कहना शुरू करता है और आपके पिता उग्रसेन को मुंह तोड़ करके जवाब देता है जो इस प्रकार से दे रहा था। नारायण स्टूडियो अजीतगढ़। अरे बुड्ढा को काया मर तुम क्या महकाए कड़ गई।